हेलो क्लास, आज हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जनरल प्रोसीजर पढ़ी थी, आज हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो भी सेबी की गाइडलाइन है, जो भी कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर करनी पड़ती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, उस प्रोसीजर को फॉलो करना ईच एंड एवरी पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अगर इसमें कुछ भी ब्रेकडाउन आता है या यहाँ पे वायलेशन हो जाता है किसी प्रोसीजर का, तो इनवैलिड हो जाएगी प्रोसीजर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर वहां पे कंपनी को रिटर्न भी करना पड़ सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन, एनी प्रोविजन, एनी स्टैट्यूटरी लॉ। तो लॉ कहता है कि आप जब भी पब्लिक कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करे तो सबसे पहले आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी नंबर वन, सबसे पहले किसी भी जनरल पब्लिक को, यानी जनरल कंपनी को, यानी पब्लिक कंपनी को जब भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने होंगे, एक तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर हो सकता है आईपीओ, जब कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश हो रही है, नए से फॉर्म हो रही है और मार्केट में अपना आईपीओ लाना चाहती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कि जनता के लिए ऑफर होता है शेयर्स का, यानी वो जनता से कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है फॉर एक्सपांडिंग बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन, कुछ भी रीजन हो सकता है कंपनी का, कंपनी के लिए पैसों की जरूरत होती है यानी कैपिटल की जरूरत होती है और ये कैपिटल वो जनरल पब्लिक से कलेक्ट करती है थ्रू दी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उनको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने हैं, बराबर है। तो इस प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस दी गई है जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, स्टैट्यूटरी प्रोसीजर है, वही आज हम समझने वाले हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक, अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो स्टेप बाय स्टेप कंपनी को फॉलो ही करने पड़ेंगे। और ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी सेक्रेटरी, जिनको ये सारी प्रोसीजर बनानी पड़ती है बाय ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में पहले एक जनरल बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि हमें इस तरीके से क्या करने, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने, इतने दिन के अंदर इतने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर की सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप देख लो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती क्या है और इसके लिए कंपनी को कौन से एक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। सो एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड with regarded to allotment of shares and also follow the company's prospectus and allotment securities rule 2014 securities rules 2013 से जिसमें shares debentures भी allowed किए जाते हैं उसके लिए 2014 के rules and सबसे important सेबी issue of capital and disclosure requirement rules 2018। तो इतने सारे गाइडलाइन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कंपनी अपना आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर पब्लिक के सामने ऑफर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो जाती है, हर कंपनी को इसे फॉलो करना पड़ता है, खास करके पब्लिक कंपनी को ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी को तो अलॉटमेंट करना नहीं होता है, जनरल पब्लिक को शेयर वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से ही प्राइवेट प्लेसमेंट बना के कैपिटल कलेक्ट करती है, उसके मैक्सिमम 200 पीपल ही होते हैं। लेकिन पब्लिक जब ऑफर किए जाते हैं, पब्लिकली ऑफर किए जाते हैं, जनता को जब शेयर्स ऑफर किए जाते हैं तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक अवेलेबल होती है, उसमें रिटेल इंडिविजुअल बायर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड बायर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो इन सबको जब शेयर्स अलाउड किए जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं या अदर ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, तो सारी प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस द्वारा होनी चाहिए, ऐसा कंपनी एक्ट और सेबी की गाइडलाइन कहती है। सेबी के रूल्स सारे फॉलो करने बहुत ही जरूरी होते हैं, वरना हमारी कंपनी का जो अलाउटमेंट है वो इरेगुलर भी हो जाएगा, इनवैलिड भी हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रोसीजर है स्टैट्यूटरी यानी क्या, वैधानिक प्रोसीजर। स्टैट्यूटरी यानी क्या, वैधानिक, अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम कंपनी को करना होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब भी आप अपना आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर कंपनी में जनरल पब्लिक के लिए ऑफर करेंगे, आपका सबसे पहला काम बनता है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस करें, फिर विद द आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी,
सेबी की गाइडलाइन के द्वारा एक आरओसी हर कंपनी के एरिया में बनाया जाता है। हर स्टेट का एक आरओसी होता है जहाँ पे रजिस्टर आर ऑफ कंपनी होता है जो कंपनी के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे हमारे लिए जैसे सेतु होता है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सिमिलरली आरओसी होता है कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इज एन मेंबर पर्सन हु इज ऑथराइज बाय सेबी, जिसको ऑथोरिटी मिली है सेबी से कि वो हर कंपनी के न्यूली रजिस्ट्रेशन भी करा के दे सकता है। आईपीओ अगर लाते हैं, फर्दर पब्लिक अगर ऑफर आती है तो आरओसी की तरफ ही सबसे पहले जाना पड़ता है। तो सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन और प्रॉस्पेक्टस विद आरओसी, ये नंबर वन काम है। पब्लिक कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस सबमिट करना होता है आरओसी को बिफोर इशूइंग टू पब्लिक। जनरल पब्लिक को इनविटेशन देती है ना कंपनी शेयर परचेस करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉस्पेक्टस है डायरेक्ट जनरल पब्लिक को ना जाते हुए सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस जाएगा आरओसी के पास। आरओसी के पास जब भी प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर्ड किया जाता है उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखने पड़ते हैं, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी उस पे सिग्नेचर करता है और डायरेक्टर जो भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको उस पे सिग्नेचर करना होता है स्टैंप ड्यूटी लगा के। वो प्रॉपरली मेंटेन करके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में डालनी है वो सारी बताती है आरओसी को, वो प्रॉस्पेक्टस सबमिट करना पड़ता है। एक बार आपको आरओसी ने अप्रूवल दे दिया कि आपका प्रॉस्पेक्टस ठीक है अकॉर्डिंग टू लॉ, देन आप उसे पब्लिक को इशू करते, तब जाके जनरल पब्लिक हमारे कंपनी के अंदर अप्लीकेशंस कर सकते हैं। विदाउट रजिस्टरिंग प्रॉस्पेक्टस टू दी आरओसी कंपनी कैन नॉट इशू इट टू पब्लिक, जनरल पब्लिक को वो इशू नहीं कर सकते। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस किसके पास रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आरओसी के पास। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में देखो क्या बोला है, अप्लीकेशंस मनी। जैसे ही प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू किया जाएगा, जनरल पब्लिक हमारे कंपनी के अंदर अप्लीकेशंस करेगी कि हमें शेयर्स खरीदी करने, हमें शेयर्स खरीदी करने, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइजिंग की होगी उसी प्रकार से कि इस कंपनी का आईपीओ ये तारीख को आने वाला है, तो पब्लिक राह ही देखते रहती है कि कौन से कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जैसे ही मार्केट में पता चल जाएगा जनरल पब्लिक को कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लोग रेडी रहते हैं अप्लीकेशंस के साथ। तो रिटर्न अप्लीकेशन के साथ साथ अप्लीकेशन मनी भी कंपनी में जमा करना होता है, जो भी उन्होंने बैंकर्स अपॉइंट किए होंगे, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं कंपनी के जो रहेंगे, उसमें मिनिमम अप्लीकेशंस मनी आना जरूरी है। एज पर सेबी मिनिमम अप्लीकेशन मनी 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर पब्लिक कंपनी। जितना भी कैपिटल कंपनी इशू करती है मार्केट में उसके मिनिमम 25% अप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आना चाहिए विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जितने दिन के लिए वो अप्लीकेशंस अलाउ करते हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, उसके कम से कम टाइम के अंदर उनको 25% नॉमिनल अमाउंट कलेक्ट करनी है। मान लीजिए अगर 10 करोड़ का वो कैपिटल इशू करते हैं तो करीब करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा का मिनिमम अप्लीकेशन मनी उनके पास कलेक्ट होना हो जाना चाहिए, तभी वो आगे की प्रोसीजर के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद आरओसी, फिर वो जनरल पब्लिक को जाएगा। जनरल पब्लिक जब भी आपके यहाँ अप्लीकेशंस करेंगे, अप्लीकेशंस के साथ साथ अप्लीकेशन मनी भी जमा करना है और हर मेंबर को 25% मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट करनी है, जमा करनी है कंपनी के अंदर, कंपनी के बैंकर्स में। तो एप्लीकेशन मनी समझ में आ गया, 25% ऑफ द मिनिमम नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू के 25% आपको एप्लीकेशन मनी कंपनी में जमा करने होते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी क्या होता है, मान लीजिए हमने 10 करोड़ का कैपिटल कलेक्ट करने का प्लान करके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स निकाला है, यानी आईपीओ हमने 10 करोड़ का निकाला है, लेकिन कंपनी के अंदर 8 करोड़ के लिए 7 करोड़ के लिए ही एप्लीकेशंस आए, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऐसे टाइम पे कंपनी को क्या करना पड़ता है, अगर प्रॉपर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं हो रहा है जो कि 25% होता है नॉमिनल वैल्यू के, वो अगर नहीं आ रहा है तो जितने भी एप्लीकेशंस कंपनी में आए थे उन सबको कर देना पड़ता है रिटर्न विद इन अ सर्टन 15 डेज के अंदर। 15 दिन के अंदर जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाकी लोगों से कलेक्ट किया था वो कंपनी को क्या करना है, वापस करना है। ऐसा दो ही केस में हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स बिके ही नहीं मार्केट में, ये कब हो सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिटर्न करना पड़े 15 डेज के अंदर। जैसे कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया और कोई कंपनी के लिए खरीदारी नहीं है मार्केट में, यानी उनका शेयर्स खरीदा नहीं जा रहा है किसी से भी, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई रेडी नहीं है कंपनी के अंदर, ऐसे टाइम पे जो कुछ थोड़े लोगों ने कंपनी में सब्सक्रिप्शंस किया होगा
यानी कुछ एप्लीकेशन मनी भरा होगा वो रिटर्न कर देना पड़ेगा कंपनी को, उन लोगों को पर्टिकुलर उनके बैंक अकाउंट में। ऐसा वही केस में होता है कि जहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी अपने तरीके से पूरी तरह से प्लान करके ही आईपीओ लॉन्च करती है, उन्हें गारंटी होती है कि उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट ही हो जाए। इसीलिए वो मर्चेंट बैंकर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को वगैरह ऑफर करती है। अंडरराइटर होते हैं वहाँ पे, ब्रोकर्स होते हैं जो कि कंपनी के शेयर परचेस कर ही लेते हैं और वो गारंटी देते हैं कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हम ही खरीद लेंगे। बाद में वो चिल्लर में उसे रिटेल में बेचते रहते हैं, लेकिन पहले वो खुद ही ब्रोकर लोग, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर गारंटी ले लेते हैं कि कंपनी के शेयर मिनिमम तो भी हम खरीद लेंगे, यानी उनका आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर सक्सेसफुल बनाने के लिए ये प्रोसीजर की जाती है कंपनी द्वारा भी, क्योंकि इतना सारा इवेंट करने वाली है कंपनी, इतनी सारी प्रोसीजर कर रही है, तो उन्हें भी चांस नहीं लेना होता है, रिस्क नहीं लेनी होती है कि हमारा कैपिटल ना खरीदा जाए। कंपनी चाहती है कि उनका 100% कैपिटल सब्सक्राइब हो जाए जनरल पब्लिक द्वारा ही। इन केस नहीं होता है तो उनके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर कमीशन होते हैं, सिंडिकेट बैंक्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। इन सबको शेयर्स अलाउड किए जाते हैं कंपनी द्वारा, तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनका कलेक्ट हो जाता है। लेकिन क्या बोला है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हो जाना चाहिए 30 डेज के अंदर, नहीं होता है तो ये रिटर्न किया जाता है 15 डेज के अंदर पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, जिन जिन लोगों ने हमारे कंपनी में पैसे डाले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम कंपनीज का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हो ही जाता है थ्रू दी वेरियस प्लान्स। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है कंपनी का, एक बार आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो आपको करनी पड़ती है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कंपनी जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी जनरल पब्लिक को ऑफर कर रही है उसमें से कब तक आप कंपनी के अंदर वो शेयर परचेस कर सकते हैं थ्रू द बाइंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। एक बार आपने प्रॉस्पेक्टस बाय कर लिया तो ये लिस्ट कम से कम 3 दिन के लिए और मैक्सिमम 10 डेज के लिए पब्लिक को ऑफर की जाती है, यानी 3 से 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी में ये अलाउटमेंट ऑफ शेयर की सारी प्रोसीजर कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। तो क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब होती है, एज पर सेबी लिस्ट मस्ट बी कीप ओपन फॉर एट लीस्ट 3 वर्किंग डेज, उसमें संडे या कोई छुट्टियां आ रही है तो वो एग्जम्प्टेड रहेगी। वर्किंग डेज यानी जिस दिन पब्लिक का काम वर्किंग में होता है, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई अदर वहाँ पे कोई सुविधा मतलब छुट्टियाँ नहीं है सरकारी, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है वर्किंग डेज माना जाता है। वर्किंग डेज है जहाँ पे कामकाज डेली चलता है एज पर रूटीन। सो 3 वर्किंग डेज मिनिमम होने चाहिए एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। 10 दिन से ज्यादा के लिए भी आप ऑफर ओपन नहीं कर सकते, यानी आपको क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कब करना पड़ता है, कोई कंपनी विद इन 3 डेज भी कर सकती है, कोई 5 डेज में कर सकती है और 10 डेज के अंदर भी कर सकती है, बट नॉट मोर देन 10 डेज। यानी आपको क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन जब भी शेयर अलाउ किए जाते हैं जनता को तो वो 10 दिन के लिए लिस्ट ओपन रहती है, आप कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शेयर बाय करने के लिए आ सकते हैं कंपनी के अंदर। एक बार क्लोजिंग हो गई सब्सक्रिप्शन की उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईपीओ में तो नहीं आ सकता, बाद में एक बार शेयर लिस्टेड हो गए स्टॉक एक्सचेंज में तो आप कितनी भी बार खरीदे और बेच सकते हैं, वो लेटर स्टेज है। लेकिन जब आईपीओ आता है या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है कंपनी के द्वारा तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन वो 10 दिन के अंदर ही किया जाता है, यानी पूरी प्रोसीजर जो होती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर की वो इसी वर्किंग डेज में चलेगी। देन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी को ये देखना पड़ता है कि हमारे कंपनी में कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है, पब्लिक ने कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब्सक्रिप्शन किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने कितना बोला है, ब्रोकर्स ने कितना बोला है, कंपनी के कुछ इंप्लॉइज है, तो ग्रुप वाइज शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। कुछ पब्लिक को दिया जाता है 25%, मान लीजिए जैसे 25% टोटल उनका इशू करना चाहते हैं टोटल कैपिटल के, तो उसमें से 10% जनरल पब्लिक को, 5% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स को, म्यूचुअल फंड्स को 5%, ऐसी कैटेगरी भी वो डिसाइड कर सकते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है कि कंपनी के लिए इंटरनली वो प्लान करे कि किन लोगों को कितना शेयर सब्सक्राइब करने का चांस देना है, दैट्स ऑल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। सब्सक्राइबर आर रिटेल इन्वेस्टर, और सब्सक्राइबर कौन कौन हो सकते हैं शेयर परचेस करने के लिए, कौन कौन आ सकते हैं, तो नंबर 1 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप जैसे मेरे जैसे जनरल पब्लिक
जो 10, 5, 100, 50 हजार ऐसे ही शेयर्स खरीद सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक बंदा पूरा कैपिटल थोड़ी ना खरीदने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा जो खरीदते हैं चिल्लर चिल्लर 5, 10, 100। आजकल तो लॉट में ही शेयर्स मिलते हैं, 5 का लॉट होता है, 10 का लॉट होता है, 20 का लॉट होता है, तो उतनी तो भी आपको मिनिमम खरीदारी करनी पड़ती है, चाहे आप रिटेलर हो या कोई भी हो। सो सब्सक्राइबर आर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए एंड इम्प्लॉयज, इन लोगों को भी शेयर्स दिए जाते हैं। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि किनको कितना कोटा रखना है शेयर खरीदी करने पे। तो ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया, देन ओवर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी कंपनी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी क्या, हमने 10 करोड़ के लिए एप्लीकेशंस मंगे हैं, 15 करोड़ के लिए आ गए, 20 करोड़ के लिए आ गए, 30 करोड़ के लिए आ गए, तो ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन सारी की सारी अमाउंट कंपनी नहीं रखती अपने पास। सेबी की गाइडलाइन कहती है कि 10% तक आप ओवर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो जनरल पब्लिक को या जिन लोगों ने हमारे कंपनी के अंदर एप्लीकेशन मनी जमा किया उन सबको वो रिटर्न करना पड़ता है। यानी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर, अगर नेट ऑफर हमने किया 10 करोड़ की तो इस पे 10% यानी 11 करोड़ 12 करोड़ का हम क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा जितने भी आएंगे वो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे उनके पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में, जिन जिन लोगों ने हमारी कंपनी में एप्लीकेशंस किया है उन सब ने। तो आप समझ चुके होंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में क्या होता है कि अगर हमारी कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो उतना सारा का सारा पैसा कंपनी एज अ कैपिटल एडजस्ट नहीं कर सकती। कितना कर सकती है, 10% तक हम कैपिटल एडजस्ट कर सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। तब वो ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलाउड हो जाते हैं, फुल अमाउंट पे शेयर्स मिल जाते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं इसकी भी प्रोसीजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। देन परमिशन टू डील इन अ स्टॉक एक्सचेंज, बराबर है, जब भी हमारे शेयर जनता ने खरीद लिए है अब उनको अगर बेचने हैं या खरीदने हैं, फिर से नए इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये सारी प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ही होती है। आफ्टर आईपीओ कंपनी को, तो आईपीओ आते आते ही कंपनी क्या कर लेती है, परमिशन ले लेती है डील इन स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज कौन से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम बीएससी सेंसेक्स 30 के नाम से जानते हैं और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। इन स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी के शेयर लिस्टेड हो जाते हैं, ताकि एक बार आईपीओ आने के बाद अगर कोई इन्वेस्टर अपने शेयर सेल करना चाहता है या नया बायर कोई परचेस करना चाहता है तो वहां से वो खरीदारी बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है आफ्टर दैट। सो परमिशन लेनी ही पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज की। सेबी की गाइडलाइन ही कहती है कि हमें रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में एटलीस्ट 1, 2 है तो 2 में करना कंपलसरी नहीं है, 1 में तो भी कंपलसरी है करना, जैसे आप बीएससी में कर सकते हैं या एनएससी में कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं, मोस्टली कंपनियां दोनों में कर देती है। तो परमिशन टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज करना पड़ता है शेयर अलॉटमेंट करते वक्त। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज, ये कब किया जाता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर के टाइम पे करना पड़ता है कि हमें अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी, जैसे रजिस्टर टू द इश्यूज। हमारे कंपनी के शेयर्स जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो जितने लोग हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले उनकी लिस्ट, उनका रजिस्ट्रार, उनका शेयर सर्टिफिकेट बनाना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारे ट्रैक करने के लिए हम रजिस्ट्रार टू द इश्यूज को अपॉइंट करते हैं। देन मर्चेंट बैंकर्स, जो कि कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी कलेक्ट हो जाता है, यानी मर्चेंट बैंक्स भी अपॉइंट करना जरूरी होता है कंपनी के अंदर, जो हमारे लिए बैंकिंग के काम करेंगे, सारे पैसे के काम वही लोग संभालेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीजर बनाएंगे तो सारा काम अकेले थोड़ी करेंगे, कुछ पर्टिकुलर काम सबको अलॉट किया जाता है, तो कुछ काम रजिस्ट्रार के इश्यूज को दिया जाता है, जो कि शेयर होल्डर की लिस्ट बनाते हैं, शेयर सर्टिफिकेट बनाते हैं और वो रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा शेयर होल्डर एंटर हुआ है, कौन सा शेयर होल्डर एग्जिट हुआ है। मर्चेंट बैंकर्स पैसे का लेन देन संभालते हैं, कितने पैसे आए हैं बैंक के अंदर, कितने पैसे बाहर बैंक से रिटर्न गए हैं, इनके सारे रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। अंडरराइटर एंड ब्रोकर्स, अगर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में वो लोग
अंडररराइटर्स एंड ब्रोकर लोग हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर खरीदी कर लेते हैं और हमें उतना पैसा दे देते हैं कंपनी के अंदर, ताकि हम अपना अलॉटमेंट ऑफ शेयर सक्सेसफुली कर सके, इवेंट कर सके। सेल्स सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स भी होते हैं एंड देन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर कर रहे हैं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो रहा है, आईपीओ हो रहा है। तो जो भी लोग हमारी कंपनी के अंदर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर परचेस करने के लिए आते हैं, सब्सक्राइब यानी खरीदी करना, शेयर खरीदी करने के लिए जो जो लोग आते हैं उन सबको शेयर्स मिलने चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए हमारी कंपनी का, पूरी डिटेल प्रॉस्पेक्टस भी बताया जाता है जिसमें डिटेल ही होती है कंपनी की। तो इस सारी प्रोसीजर को फुलफिल करने पे बोला जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो आप लोग समझ चुके हैं कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अप्लीकेशन मनी कलेक्ट करना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखा जाता है 30 डेज के अंदर कितना आ रहा है, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन वर्किंग डेज 3 डेज टू मोर देन 10, नॉट मोर देन 10 डेज होता है, कम से कम 3 दिन के लिए वर्किंग डेज के लिए क्लोजिंग लिस्ट ओपन करनी पड़ती है, इसको ओपनिंग लिस्ट बोलते हैं, बाद में वो क्लोजिंग हो जाती है। तो क्लोजिंग लिस्ट कितने दिन के अंदर क्लोज हो जाती है, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर क्लोज हो जाती है। बेसिस ऑफ अलाउटमेंट ये देखना पड़ता है कि कितने इन्वेस्टर्स को कितने शेयर अलाउड करने हैं, जैसे रिटेल इन्वेस्टर है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, उन सबको शेयर अलाउड करने होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो वो सिर्फ 10% होना चाहिए टोटल नेट वैल्यू के, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, बाकी का पैसा रिटर्न कर देना पड़ता है। एंड द लास्ट परमिशन टू डीलियन स्टॉक एक्सचेंज, जब भी हमारे शेयर लॉन्च किए जाते हैं जनरल पब्लिक को, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। बाद में अगर उन इन्वेस्टर को शेयर बेचने हैं या सेल करने हैं या खरीदने हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज ही कर सकते हैं। एंड देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसी, जब भी हमें हमारे शेयर अलाउड करने होते हैं जनरल पब्लिक को, तो एक पूरा इवेंट होता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा हमारी मदद करने के लिए भी, और कुछ गारंटर्स भी होते हैं। अगर हमारा जनरल पब्लिक ने आईपीओ से उतना रिस्पांस नहीं दिया, तो यहाँ से अंडरराइटर ब्रोकर लोग हमें वो रिस्पांस देते हैं कि हम आपके शेयर्स खरीद लेते हैं, बाद में इन्हें जनरल पब्लिक को हम सेल करेंगे। तो इस सारी प्रोसीजर को बोला जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।